कुछ कुछ होता है मैं काजुल की कैरेक्टर में मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया रिफत भी तो मेरा भी पहला ड्रीम ऑफ शाहरुख के साथ काम करने का अधूरा रह गया न, मुझे लगता नहीं है कि डर के मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ या अपना करियर कर, बनाना चाहती हूँ मैं जा रही हूँ हेलो गाइस वेलकम टू आर चैनल तो हाँ जैसे कि जवान की बहुत ही चर्चा हो रही है इन दिनों लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं मूवीज़ और जो बॉक्स ऑफिस पर तो आप देख ही सकते हैं कितना वो जो धमाल मच रहा है बट इसी के साथ ही अब हम आज आपको मिलवाने वाले हैं रिद्धि से जो मूवी का एक कैरेक्टर है बट हाँ जो भी कैरेक्टर है इनका वो आपका दिल ज़रूर जीत ले रहा है बिकॉज हर कोई इस कैरेक्टर की चर्चा में है सो so, रिद्धि फर्स्टली तो कॉन्ग्रेचुलेशन फ़ॉर द मूवी Thank you so much. Thank you. सो so, आपका ये जो कैरेक्टर है ये काफी पसंद आ रहा है लोगों को कि मतलब एक रिद्धि ने रिद्धि ऐसी एक्ट्रेस है मतलब जिनको बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स में देखा गया बट एक होता है ना माँ का कैरेक्टर करने में लोग पीछे हटते बट रिद्धि ने वो कैरेक्टर किया भी और उन लोगों को गलत साबित कर दिया जो माँ के कैरेक्टर से भागते यस yes, मतलब नहीं मैंने किसी को गलत साबित नहीं किया कि जो माँ के कैरेक्टर से भागते हैं बट मैं मतलब मैं एक्टर हूँ तो मैं मुझे लगता नहीं है कि डर के मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ या अपना करियर कर बनाना चाहती हूँ uh, मुझे uh, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लिमिटेशंस या बॉक्सेस या लेबल से uh, मतलब मुझे डरना नहीं है दैट्स ऑल दैट्स माय ओनली थिंग और ये जस्टिफाइड था इट्स नॉट लाइक मैं यहाँ ओल्ड प्ले कर रही हूँ तो ओल्ड हूँ बट देर इज़ अ रीज़न वाई ये कैरेक्टर है और वो जस्टिफिकेशन था मूवी में इसीलिए मैंने किया एंड um, uh, बहुत खूबसूरती से एटली ने यू you नो know, पूरे कैरेक्टर को जस्टिफाई किया सभी कैरेक्टर्स को कहानी में जितने भी uh, किरदार हैं सबको जस्टिफाई किया एटली ने यू um, नो you know, ऐसा नहीं है कि एक बड़ी बड़े एक्टर्स बड़े स्टार्स की फिल्म है तो बाकी सबको ऐसी एंड दैट्स आई थिंक दैट इज़ द रीज़न वाई घर कर गई है ये फ़िल्म सबके दिलों में क्योंकि आप कहीं पे भी चीटेड नहीं फील करते यू you नो know, आप इनफैक्ट बन जाते हैं मूवी के साथ लाइक अ लॉर्ड ऑफ पीपल आर सेइंग इंटरैक्टिव है ये मूवी यू नो और मैंने भी सुना है जब मैं मूवी थिएटर में देख रही थी और यू you नो know, मेरा वो सीन आया था जब मैं दीपिका के कैरेक्टर को बोल रही तुम प्रेगनेंट हो इतनी आवाजें मैंने सुनी इतनी साइलेंस थी इसीलिए सुनाई दिया सबने कहा यू नो लाइक ओ वाह यू you नो know, ऐसे सुनाई दे रहा था तो वो इम्पैक्ट वो आ, एक वही आ, वो तभी पॉसिबल है जब विजन बहुत क्लियर हो और मैं एटली को जब मैं उसी चीज़ की वजह से भी काम करती हूँ चाहे कोई भी मीडियम हो विजन मेरे लिए बहुत मतलब मुझे दिख जाता है कि ये इंसान सीरियस है अबाउट व्हाट ही इज़ डूइंग और एटली के साथ तो मतलब इतनी क्लैरिटी थी Uh, मैं उन मैं इतने सवाल पूछ रही थी उनसे क्योंकि ऑफ़ कोर्स यू नो डाउट तो होता ही है ऐसा रोल करने में लेकिन उन्होंने बहुत बहुत प्यार से मुझे संभाला सो okay. uh, so मैं ये जानना चाहूँगी जब आपको पहली बार अप्रोच किया गया इस कैरेक्टर के लिए तो वो कॉन्वर्सेशन क्या थी लाइक like आपको जब अप्रोच किया गया आई एम श्योर आपको स्टोरी लाइन बताई गई होगी कुछ स्क्रिप्ट आपको मिला होगा तो क्या आपको स्टार्टिंग uh, में ऐसे बोला गया कि हाँ आपको माँ का कैरेक्टर करना है सो so एक बार होता ना इंसान ऐसे शौक होता है थोड़ा सा हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ मुझे बोला <laughs> मैं जा रही हूँ मन में मैंने सोचा मैं जा रही हूँ वेरी नाइस मीटिंग यू यहाँ सेट पे आके बहुत मजा आया बाय uh, लेकिन यू नो एटली और उनकी टीम ने काफ़ी मेरे सवालों के लाइक ऐसे कि मेरे सवालों के जवाब दिए जितने मेरे डाउट्स थे स्टोरी ज़्यादा नहीं पता थी राइटफुली सो यू नो जब आप uh, ये ये कहा ये मूवी इतनी हाईली अवेटेड थी जब बन रही थी कि कुछ भी लीक नहीं हो सकता था यू नो सो यू कैन टेक अ चांस उनको ऑफ कोर्स यू नो आप uh, आप नहीं जानते कौन क्या क्या बोल दे तो बेटर है बताओ ही नहीं आई है कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट एंड वही किया एटली मतलब मुझे नहीं पता था ज़्यादा मुझे मेरा मेरा हिस्सा पता था कि पर ये भी नहीं पता था कि मूवी में क्या इम्पैक्ट रहेगा इसका मूवी के लिए ये कितना ज़रूरी है uh, पता नहीं था मुझे लेकिन आई आई ऑनेस्टली वेंट विद एटलीस कन्विक्शन आई मतलब मैं बोल सकती हूँ शाहरुख के लिए ले की लेकिन शाहरुख के लिए मैं बूढ़ी का रोल क्यों करूँगी बट बट आई डेंट वॉन्ट टू लेट गो ऑफ द अपॉर्चुनिटी कि एटली ने मुझे कॉल किया है और बुलाया है और यस uh, ड्रीम yes, तो यही है और आई थिंक शायद फिर वो ऐसे ही होता है ना लाइक uh, like, कुछ कुछ होता है मैं काजुल के कैरेक्टर में मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया रिफत भी तो मेरा भी पहला ड्रीम ऑफ़ शाहरुख के साथ काम करने का अधूरा रह गया जो आई थिंक पूरा हो जाएगा होपफुली बट या सो इट वॉज एटली द रीज़न वॉज एटली उन्होंने मुझे बहुत 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 क्लैरिटी uh, दी लाइक आई सेट बहुत प्यार से मुझे यू नो सँभाला मैं बहुत एंक्शियस थी काफ़ी सारे बहुत नर्वसनेस थी मुझे लेकिन uh, उन्होंने मुझे सिर्फ ऐसे होता ना एक फादर टेकिंग केयर ऑफ अ चाइल्ड दैट्स हाउ ही वॉज विद ऑल ऑफ अस और मेरे साथ भी वैसे ही थे सो so, अगर मैं जवान के सेट की बात करूं तो सानिया से मेरी बात हुई थी सानिया का ऐसा कहना था कि सेट पर ऐसे लगता था कि हर रोज़ एक फेस्टिवल है बट मैं आपसे जानना चाहती हूं शाहरुख खान थे और एटली जैसे डायरेक्टर तो मतलब वो तो अपने में ये एक वाहवा है बट आपसे जानना चाहती हूं मैं आपको कैसा लगा उस सेट पर काम करके सानिया ने जो कहा सानिया ने जो कहा मुझे भी वैसा ही लगा इनफैक्ट मैं हर रोज़ सेट पे जब भी मैं सेट पे जाती थी मैं हमेशा हमेशा किसी ना किसी को अगर एटली यू नो चांस मिलता था एटली के साथ बैठने का तो उनको बोलती थी सबको मेरे मन में हमेशा ही होता था ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर है वो सेट पे ही ब्लॉकबस्टर थी मतलब ऐसा कोई ऐसा नहीं कि सब लोग बहुत एटीट्यूड में थे कि हम तो ब्लॉक बना रहे हैं बट जिस तरीके का आउटपुट था जो आप कैमरा में देखते थे और यू नो मॉनिटर पे जो दिखाई देता था ऐसा लगता था ओ माय गॉड लोग ये देख के पागल हो जाएंगे सच्ची वो लगता था और मैं तो एज एन ऑडियंस बोल रही हूँ कि सम्बडी हू लव्स वॉचिंग मूवीज़ सिनेमा में मूवीज़ देखना मुझे इतना पसंद है तो यू uh, नो you know, जब मूवी बन रही थी तो मुझे लग रहा था आई कॉन्ट वेट कि लोग देखें और बात भी नहीं कर सकती थी मैं कि मैं मूवी कर रही हूँ और पता है ऐसे हो रहा है ये हो रहा है कुछ नहीं कर सकती थी तो या आई वॉज लाइक पीपल हैव टू वॉच इट पीपल हैव टू वॉच इट लोगों को देखना चाहिए लोगों को देखना चाहिए सो आप मूवी का एक सीन मुझे याद है आपका वो काफ़ी मैं खुद इमोशनल हो गई थी मेरे जैसी बंदी कभी इमोशनल नहीं होती वैसे सो एक्चुअली उसमें जब दिखाया था दीपिका का जो बेटा रहता है बड़ा होता है उसके बाद उसे फांसी पर ले जाया जाता है बट द टाइम यू होल्ड वो उनके बेटे का हैंड मतलब वो बहुत ही इमोशन मुझे, मुझे इनफैक्ट बम्स आ गए थे सो so, उस वक्त आपका क्या था बिकॉज कोई भले ही एक्टिंग कर रहा हो बट हाँ अंदर से तो होता ही है Uh, नहीं लाइक आई सेट कि बहुत ज़्यादा नहीं पता था तो uh, पर यू नो इट्स लाइक ऑनेस्टली मेरे लिए भी रिवील हो रहा था जैसे जैसे मैं शूट कर रही थी इन वर्ड्स एटली ने ज़रूर बताया था और उनकी टीम बहुत अच्छी थी बहुत काइंड वो वेरी काइंड एंड वेरी स्वीट यू नो मेरा सारा सर दर्द वो ले लेते थे मैं जितने भी सवाल पूछती थी सब बेचारे दस टू ट्राई एंड आंसर एवरी थिंग स्पाइट ऑफ हैविंग सो मच वर्क टू डू लेकिन तो जैसे जैसे शॉर्ट्स आते थे रिवील होता था अच्छा ये ऐसे टेकिंग है ये ऐसे यू you नो know, इसको डिस्प्ले कर रहे हैं ये ऐसे विजन है इनका ये ऐसे दिखा रहे हैं एंड uh, वो जब शॉट आया था um, मतलब यू नो लाइक उस टाइम पे तो यही लगता है कि गॉट इट यू नो विजन पता चल गया क्या है और अब परफॉर्म करना है एज एन एक्टर मुझे देना है ये इनको तो आई न्यू एग्जैक्टली वॉट दैट मोमेंट वॉज मैंट टू डू फॉर द व्यूअर्स क्योंकि वो खुद फील हो रहा था जब वो एक्सप्लेन करते थे या बताते थे कि हम क्या शूट कर रहे हैं या यू नो इवन जब वो दीपिका का वो लेटी हुई हैं और वो ब्लोअर चला के मतलब ब्लोअर आप लोगों को नहीं पर उनका वो, वो, वो सर से वो कवर हटता है उनका फेस दिखता है जब वो शॉर्ट लिया जा रहा था यू कुड फील इट कि यू नो ये ऑडियंस फील करेगी एंड यू नो फिर मुझे वो um, आज़ाद जो छोटा आज़ाद है बहुत ही नोटी बच्चा है वो इन रियल uh, बहुत नोटी है um, पर उस, उसको जब यू नो आई टू होल्ड हिम ओ मैन आई न्यू इट आई न्यू इट वी अ टीय जर् आई न्यू ऑडियंस इज़ गोइंग टू यू नो रियली रियली बी विद द इमोशन पता था वो देख के ही पता था तो आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी ब्लेस्ड कि मैं थी वहाँ पे और मैं वो परफॉर्म कर रही थी और मुझे मौका मिला वो सो so, अगर मैं बात करूँ शाहरुख खान सर के साथ काम करने का तो ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत ही हम्बल स्टार हैं और मतलब ऑफ स्क्रीन भी वो मतलब बहुत ख्याल रखते हैं अपने साथ जो भी उनकी कास्ट हो तो आप क्या एक्सपीरियंस आपने किया उनके साथ यही किया मैंने आई थिंक वो बहुत यू you नो know, उनका ग्रैटिट्यूड uh, दिखता है जो यू नो लाइक मुझे ऐसे लगता है कि अगर मुझे सक्सेस ऐसा सक्सेस मिले सुपर मिले ऐसा मुझे यू नो इतने सारे तो मैं कभी नहीं भूलना चाहूँगी uh, मैंने कहाँ से शुरू किया या मैं कभी नहीं भूलना चाहूँगी कि वो दिन क्या दिन थे जब कोई नहीं था पूछने वाला या आपको काम नहीं मिलता था तो आई फील लाइक कहीं ना कहीं शाहरुख को देख के ऐसे लगता है कि शायद उन्होंने वो चीज़ अपने में ना बरकरार रखी है कि ह्यूमिलिटी है बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड है इट्स नॉट लाइक वो बोलते हैं ऐसा कि आई एम ग्रेटफुल आपको नहीं बोलते हैं लेकिन उनके हाव भाव में उनके यू uh, नो you know, वो जैसे बिहेव करते हैं या वो जैसे ऑपरेट uh, करते हैं जैसे काम करते हैं या जैसे आपके साथ बातचीत भी करते हैं काम के बीच में आपको पता चलता है कि यू नो ही इज़ हैप्पी टू बी वे ही इज़ ही इज़ ग्रेटफुल एंड ही इज़ यू नो वो हर मोमेंट को क्या कहते हैं जीना चाहते हैं और ग्रेस और डिग्निटी देना चाहते हैं हर मोमेंट को uh, तो या एंड यू नो वी आर हिज़ ट्रू ब्लू फैंस तो हम बहुत खुश होते हैं um, मुझे बहुत सारे सीन तो मैं शाहरुख से ज़्यादा बात नहीं कर पाई बट आई हैव अ लॉट ऑफ फनी फ़नी थिंग्स आई हैव डन ड्यूरिंग द मेकिंग आई रिमेंबर एक शॉर्ट है मूवी के बिगिनिंग में ही है जहाँ यू नो शाहरुख को आई थिंक उनकी जो जेल है उसको अवार्ड दिया जा रहा है जस्ट बिफोर जिंदा बंदा और उसमें यू नो एक वो डिस्कस कर रहे थे स्पीच जो शाहरुख बोलते हैं तो मैं इफ़ नोबडी नोटिस मैं स्टेज पे ही थी उस ओके थैंक यू थैंक यू वेरी मच So, um, मैं थी वहां पे और वो सब डिस्कस कर रहे थे क्या करना कैसे करना है एंड um, थोड़ा डायग्रेस कर रही हूँ लेकिन मुझे याद आया तो आपे? चालू रहती है और फिर आप ऐसे इशारा करते हो <laughs> <नहीं> वो <था। laughs> आ, अच्छा वो सब मुझे नहीं पता ये दिखाया है जो भी आटली ने दिखाया है बट आई रिम्बर जब वो सीन शूट हो रहा था तो यू नो शाहरुख अपनी डायलॉग्स बोल रहे थे और डी ए डी आई और उन्होंने बोला कि सर हम चाहते हैं कि आप ये लाइन ऐसे बोलो इसके बाद ऑडियंस जो सब सामने हैं वो अपलॉड करने वाले हैं और वो लाइन थी कि यहाँ की सभी Uh, औरतें मेरी माँ और बेटियाँ हैं माँ और बहनें हैं तो मैंने बोला इस पे एंड मीड मैं पीछे बैठी हूँ फैन और मैंने सडनली बोला इस पे कौन ताली बजाएगा शाहरुख खान के सामने यू नो आई मेंट टू से दैट दिस नॉट नो बडी इज गोइंग टू क्लैप ऑन दिस दैट यू नो ही इज कॉलिंग एवरीबॉडी एंड आई रिमेंबर ही लुक्ड बैक एंड ही गॉट माय आई थिंक ही गॉट माय ह्यूमर मैं आउट ऑफ टर्न बात कर रही थी लेकिन मुझसे रहा नहीं गया uh, तो यू you नो know, वो इतने हम्बल है इतने स्वीट है कि आप भी हिम्मत कर सकते हैं ऐसे बात करनी या एक और टाइम था जब यू नो क्लाइमैक्स का था सीन और शाहरुख का कुछ डायलॉग था तो एडी डी आई और उन्होंने बोला सर uh, ये चीज़ ऐसे बोलनी है तो शाहरुख ने बोला अच्छा तो मैं कैसे बोल रहा था तो उन्होंने बोला सर आपने बस थोड़ा ये ऐसे था ये ऐसे बोलना है तो सडनली अगेन मी आउट ऑफ टर्न पीछे बैठी हुई हूँ कोई ज़रूरत नहीं है मुझसे कोई बात नहीं कर रहा सडनली हैव गॉन प्लीज़ इफ़ शाहरुख वॉन्ट्स टू से दिस ऐसे ही बोलेंगे I वहाँ सबका रिएक्शन क्या था जब आपने ऐसा कुछ नहीं अगेन ही जस्ट वुड लाफ लाइक ही यू नो ही वुड एक्नॉलेज कि अच्छा फैन है मेरी आई डोंट नो आई डोंट नो बट या सो मेरी द व्हाट आई मीन टू से कि वो इतने इतने रियल रहते हैं और इतने uh, आपको इतना इजी फील कराते हैं कि आप ऐसी आई वोट से बदतमीजी बट आप ऐसी यू you नो know, आप जरूरत कर सकते हो कि ऐसी uh, जोक्स क्रैक मतलब कर अपनापन महसूस कर सकते हो मतलब अपनापन तो सी आई डोंट थिंक शाहरुख हैजे चॉइस हम सब ने उनको अपना बनाई लिया है right? राइट तो वो अपनापन आई डोंट थिंक वो उनकी चॉइस रह गई है एज एज एन एक्टर वी लव हिम सो मच बट या ऑन सेट मैंने बहुत अपने आप को हजार बार कंट्रोल किया पर ये दो तीन बार ऐसे स्लिप हो गया मैंने बोल दिया एंड आई वुड वी लाइक शिट शिटेव Okay. इसी के साथ ही अगर मैं जाना चाहूँ और भी स्टारकास्ट तो बहुत बड़ी थी आपकी तो दीपिका भी थी साथ में दीपिका दीपिका के साथ आपने काफ़ी सीन किए थे जो मतलब बहुत ज़्यादा कनेक्टिंग थे ऑडियंस के लिए तो दीपिका के साथ कैसा बॉन्ड बना आपका सेट पर सी बॉन्ड तो इतना जल्दी नहीं बनता है क्योंकि सब यू you नो know, काम करने आए हैं और काम करके जा रहे हैं तो uh, ऐसा तो नहीं मतलब आई ऑल्सो लाइक आई थिंक थे हम साथ में शूट कर रहे थे बट उनका ट्रैक थोड़ा इंटेंस था तो और मैं समझती हूँ जब ऐसा यू नो आप शूट कर रहे हैं तो यू नीड दैट स्पेस ऑल दो मैं ये पहले भी कह चुकी हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत इंक्लूसिव फील कराया हमेशा यू you नो know, हमेशा इंक्लूड करती थी uh, बातों में या अगर किसी से कुछ कॉन्वर्जेसन रही हैं साथ में भी बैठेंगी तो साथ में यू नो शील शील मेक शोर शील सिट विद यू सो शी वॉज़ वेरी काइंड एंड आई जेनविनली फील लाइक जैसे हमने उनको इस फिल्म में देखा है किसी में नहीं देखा है मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने पर्सनली शूट होते हुए देखा था तो मैं डेफिनेटली ये सोच रही थी कि शी ड आई मे बी शी नोज़ बट बिकॉज आई वॉज वॉचिंग एज अ ऑडियंस आई फेल्ट लाइक कि उनकी आँखें बोल रही थी और यू नो उन्होंने बहुत बहुत खूबसूरत काम किया है और यू uh, से एक वनरेबिलिटी थी जो उन्होंने सामने रखी थी

साउथ के भी दो जाने माने स्टार्स थे आपके साथ विजय सर विजय सेतुपति एंड नयन तारा क्या उनके साथ कभी आ, सेम शॉट हुआ था आप लोगों का बिकॉज मैंने अगर जहाँ तक तो मूवी देखा तो आई डोंट थिंक सो आप लोगों का साथ में होगा बट ये आप अच्छी तरह आप अच्छी तरह बता सकते हो नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं साथ में नहीं था लेकिन बहुत टाइम में मतलब बहुत बारी ऐसा हुआ कि मैं सेट पर थी जब उनका शूट हो रहा था आ, तो येस आई आई वुड से दैट आई विज विद विजय सेतुपति आई वॉज अ लिटल इंटरमिडिएटेड मैं उनसे बात नहीं कर पाई बिकॉज आई थिंक मैं उनके क्राफ्ट की इतनी बड़ी फैन हूँ एज एन एक्टर कि क्या ही बोलो वहाँ जाके यू you नो know? आप, आप काम करने आए हो तो आप जाके नहीं बोल सकते आएम यूर फैन आई एम यूर फैन तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाई आ, पर आफ्टर द मूवी मैंने डेफिनेटली उनको बताया और नैन तारा के साथ मेरा कुछ था नहीं सीन ज्यादा लेकिन उनसे बात की और शीज शीज शीज़ स्वीट हार्ट एंड इज़ अ रीज़न वाई शी इज़ नोन एज द लेडी सुपर स्टार वो आ, बहुत ब्यूटिफुली जो एक चीज़ मैंने उनकी देखी वो वर्क लाइफ बैलेंस बहुत रखती हैं एंड यू नो यू कुड ऑलवेज सी कि वो काम पर भी हैं लेकिन उनके लिए उनका परिवार उनका घर भी उतना इम्पोर्टेंट है तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी बात और मैं हर इंटरव्यू में इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि ये सीखना चाहिए यू नो एवरी वूमेन आउट देयर शुड फील लाइक यू नो वी शे नॉट फील गिल्टी अबाउट गिविंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ आर लाइफ एवरी थिंग एंड देन सेल्फिशली टेकिंग आउट टाइम फॉर आर सेल्फ सो या इट वॉज वेरी नाइस एंड मैंने उनसे बात बात भी की उनका नेटफ्लिक्स का शो का कुछ ट्रेलर आया था उसी टाइम पर तो मैंने उनको बोला कि यू नो आई एम वेरी हैप्पी आर डूइंग दिस बिकॉज मोर दैन मोर पीपल लाइक वी शुड दिस पार्ट ऑफ द कंट्री शुड नो अबाउट यू एंड नाउ वी ऑल विल सो इट वॉज इट वॉज नाइस एंड शी इज़ शी इज़ वेरी स्वीट वेरी स्वीट ऑलवेज यूज टू कम फॉरवर्ड टू यू नो एवरीबडी वॉज वेरी इंक्लूसिव ऑन दिस सेट सो टाइगर थ्री में भी आप आने वाले हो एक खान के साथ तो आपने धमाल मचा ही दिया ऑलरेडी लोगों का दिल भी जीत लिया है, और एक खान के साथ आप आ रहे हो एंड आई एम श्योर टाइगर थ्री के बाद आप तीसरे खान के साथ भी ज़रूर आओगे सो टाइगर थ्री के बारे में अगर मैं जानना चाहूँ तो uh, शूट तो हो ही गया है क्या आप बताना चाहोगे कुछ थोड़ा सा हिंट आए नो थोड़ा स्टोरी तो नहीं बता सकते कुछ नहीं बता सकती कुछ भी नहीं बता सकती मुझे ये भी नहीं पता मैं मूवी में हूँ या नहीं हाँ <laughs> ये तो सबसे बड़ा झूठ है रिद्धि का आप देख सकते हो इट्स इट्स अ टीम मतलब वो टीम डिसाइड करेगी भाई क्या करना चाहते हैं आप मुझे इतने सब लोग पूछ पूछ के पूछ पूछ के नो आई आई वॉन्ट टू वेट फॉर द फिल्म टू कम आउट एंड आई एम आल्सो ईगरली वेटिंग आप लोगों से बात करते करते पता चल रहा है कि अब शाहरुख भी हैं उसमें ऋतिक भी हैं पूरा वो आई आर एफ स्पाई यूनिवर्स है तो आई एम वेरी एक्साइटेड अगर ऐसा है तो वाओ इट विल बी अ ग्रेट मूवी टू वॉच और आई एम वेटिंग टू वॉच इट सो so, uh, दोनों खान क्योंकि ये दोनों खान uh, इंडस्ट्री में माने जाते हैं कि हाँ कैमरे के पीछे बहुत ये लोग सपोर्टिव हैं कैमरे के सामने तो वो कैरेक्टर में रहते हैं बट हाँ पीछे भी वो लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं तो मैं जानना चाहती हूँ दोनों खान की अगर आपने दोनों के साथ काम कर लिया क्या सीखा आपने दोनों से क्या अलग अलग चीज़ें एक्चुअली um, अलग नहीं है सरप्राइजिंगली मैंने एक ही चीज़ दोनों में देखी और वो ये है कि वो uh, अपनी uh, उनकी ह्यूमिलिटी यू नो और आई वुड से द वो जो द पैशन जो, 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 जो एक यू uh, नो you know, एक एक्टर में होता है जब वो शुरू करते हैं वो उनमें अभी तक है तो मेरे लिए वो सीख थी कि यू you नो know, चाहे नो मैटर वेयर द जर्नी टेक्स यू आपकी लाइफ आपका करियर की जर्नी कहीं भी जाए आप भूलना मत की यू नो आपके रीजनस क्या थे टू बी एन एक्टर और टू टू बी इन फ्रंट द कैमरा डों गेट लॉस्ट इन द बबल दैट्स क्रिएटेड ऑल अराउंड यू और वो उनको देख के बहुत क्लियरली uh, uh, दिखाई देता है कि यू नो दे हैव नॉट फोगॉटन एंड दे आर कैरिंग दैट विद मतलब इट्स इट्स ऑन देअ शोल्डर इट सीम्स लाइक जो इंसान जिस इंसान ने इन इन हिज ट्वेंटीज शाहरुख या सलमान ने शुरू किया होगा वो इंसान अभी भी है उनके उनके साथ यू you नो know, उनके करियर में सलमान सर के बारे में हमेशा ऐसा कहा जाता है कि वो सेट पर लोगों को खाना खिलाने में बड़े एक्सपर्ट है तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है क्योंकि वो सबको बोलते हैं हाँ पहले खा पहले खा काम बाद में क्योंकि हर एक जितने भी मैंने स्टार्स का लिया है इंटरव्यू जो उनके साथ काम किया है सबका यही बोलना है आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है आप मूवी देखो उसके बाद पूछना है सवाल मूवी में ये तो सीन में होगा ही नहीं बिकॉज फिर पूछना ही सब ओके okay, मैं समझ रही हूँ आप ज़्यादा मूवी के बारे में बात नहीं कर सकते हो इट्स ओके बट इसके अलावा रिदि मैं ये जानना चाहती हूँ आने वाले टाइम में और टाइगर थ्री के अलावा आपके पाइपलाइन में और क्या है और क्या आपने ऑलरेडी शूट कर लिया है Uh, हाँ जी एक एक है एक प्रोजेक्ट uh, जिसके लिए शूट किया था वो आएगा अभी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ uh, उसके लिए उसके लिए भी आप लोगों को जल्दी ही पता चलेगा आई थिंक uh, मैं हूँ या नहीं वो भी शायद पता चलेगा uh, उसके बाद कुछ है चीज़ें जिनकी यू नो कॉन्वर्जेस आर ऑन अभी अभी आई थिंक आफ्टर जवान लोगो यू नो पीपल आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग मी ऑन थैंक गॉड आई फील लाइक ये पूरा साल मेरा ऑडिशन ईयर गया है और अब अगर यू uh, नो you know, मेरे पसंद का यू you नो know, जैसा मैं uh, काम करना चाहती हूँ वैसा काम मुझे चाहिए सो uh, uh, so, हो रही हैं कुछ कुछ बातें चल रही हैं एंड फिंगर्स क्रॉस्ड इफ इफ एवरी थिंग गोज वेल एंड इफ द ऑडियंस वॉन्ट्स टू सी मी आई विल बी देयर इन द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स एड आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ